तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से, और लगातार कोशिश है कुछ बेहतरीन और इंस्पायरिंग जो है स्टोरीज आपके सामने लाना। और एनडीए की सफलता का कारवां शुरू हुआ है, बिल्कुल ये पहला स्टेज है। और मैं बार बार यही कहूँगा कि इन स्टेज के इंटरव्यू का जो मेरा उद्देश्य होता है यही होता है कि जो हमारे बच्चे असफल हुए हैं उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले और एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए बेहतर कर पाएँ। और साथ ही साथ जो भी छात्र हमारे इस समय एनडीए फर्स्ट 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उसके लिए उनको एक मदद मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके। और कहते हैं ना कि एक कॉम्पिटिटर से ही कॉम्पिटिटर का एक्सपीरियंस बताया जा सकता है, और मुझे लगता है कि जो बारीक और रियल अनुभव आपको मिलेंगे वो बहुत फायदेमंद होंगे। एक बार फिर से जोरदार स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस वीडियो में। और आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए बिल्कुल खास तरीके से जुड़े हैं हरदोई से जो है सौरभ सिंह, एंड इट्स रियली प्राउड मोमेंट कि सौरभ सिंह सर इज टेकिंग इंटरव्यू ऑफ सौरभ सिंह। तो दैट्स रियली वेरी फैंटास्टिक राइम, ये अपने आप में कमाल का संजोग है। तो सबसे पहले सौरभ ये बताएं कि मूलतः आप कहाँ से हैं और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। सर मैं मतलब मेरा इसी साल 12th हुआ था, तो मेरे पापा बोले कि कर लीजिए अभी तैयारी, फिर बाद में मत कहना कहीं भेजा नहीं। तो फिर आया था मैं इधर फरवरी में, बोर्ड नहीं हुए थे तो फिर इधर रजिस्ट्रेशन करा गया था। तो फिर बोले थे सर कि जब बोर्ड हो जाए तो चले आना तुरंत, बोर्ड के बाद आ पाए। तो सर उसमें फिर मेरा टारगेट बनाया था मैं उसके लिए जो अप्रैल वाला था जी, तो सर लेकिन उसमें सही गाइडेंस नहीं सर हो पाया सर जी, क्योंकि समय ही नहीं था आपके पास, समय नहीं हो, और बोर्ड का प्रेशर भी रहा होगा। तो फिर अप्रैल का एग्जाम दिया कि नहीं दिया आपने? दिया था लेकिन सर उसमें बहुत गलतियाँ हो गई जी। फिर आपने शुरुआत की नए सिरे से, इस बार कैसी तैयारी आपकी थी, क्या स्ट्रेटजी थी? इस बार मैं सर स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मैं जब घर से आया था तो घर पे था तो मुझे लग नहीं रहा था मैं एनडीए निकाल पाऊंगा। तो इधर आया मतलब देखा लड़कों को कि सिलेक्टेड बच्चे आते हैं तो कुछ मतलब एनवायरनमेंट बन जाता है, एक मोटिवेशन, तो वैसे अंदर से कुछ जागता है ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये लोग भी मतलब तुम्हारे जैसे तो है, कोई अलग से तो आए नहीं है, बिल्कुल अलग से। तो सर वही अंदर से कुछ लगा तो लग रहा है कि हो जाएगा सर। अभी जैसे रिटर्न आपने निकाला, अब रिटर्न के बाद एसएसबी भी एक बड़ा प्रोस्पेक्ट है। SSB ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस हमारे यहाँ कर चुके होंगे, एक और बार तो क्लासेस आपने SSB के ले ही ली होंगे, तो आप रूबरू होंगे स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी, GTU, इंटरव्यू पार्ट क्या होता है? अभी उसका डिटेल मालूम है थोड़ा सर जी सर, लेकिन अभी सर उस पर ध्यान देना था। एग्जैक्टली अच्छा, जैसे आप हर बार आते हैं, जब मैं सिलेक्टेड बच्चों के साथ आता हूँ मुलाकात होती है तो हम लोग बैठते हैं ऑडिटोरियम में, बच्चों से बात होती है, एंड वी हैव ऑलवेज फोकस कि हाँ कम्युनिकेशन एक बहुत वाइटल रोल अदा करती है। और जो हमारा यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा का बच्चा, इसके साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जो है थोड़ा सा लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। क्या लगता है अगले 2.5 महीने में कैसे काम करेंगे और कैसे आप खुद को बेहतर बनाएंगे? सर मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देना पड़ेगा कम्युनिकेशन पे, लोगों से इंटरेक्ट करिए, और ये कम्युनिकेशन स्किल जैसे पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा अपना दोस्त का ग्रुप बनाइए, तो उनसे बोलिए कि मैं आज आपको इस टॉपिक पे बताऊंगा कुछ, तो उनसे पूछिए कि कुछ मेरे क्या गलती रहा, और हो सके तो एक बच्चे से बोल दिए रिकॉर्ड कर ले इसमें, बहुत बढ़िया। तो उसमें आपको ऐसे फिर जैसे डेली ना कर पा रहे हैं तो मतलब जैसे अल्टरनेट कर लीजिए, तो उसमें बट इन्वॉल्व होइए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और वैसे भी एक टेक्निकली सौरभ अच्छी बात बताता हूँ कि जब बच्चे हमारे लिए SSB के लिए जुड़ते हैं तो वी डोंट ट्रेन देम फॉर द 14 डेज, फॉर 30 डेज, हम उनको ट्रेन करते ही हैं सिलेक्शन के लिए। मतलब अगले 2-2.5 महीने जो समय है आपके पास, आप पूरा हमारे साथ रहिए, विल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, विल टेल यू एवरीथिंग कि वेयर यू आर मिसिंग एंड वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू वर्क, आप में क्या मिसिंग है और अभी आप में क्या काम करने की खुद पे आवश्यकता है, उन सारे पहलुओं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और आपके माध्यम सभी यूपी, बिहार, MP के बच्चों को कह रहा हूँ, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जितने बच्चे हमारे हैं जो हिंदी में वाकई में इंग्लिश में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, MKC में आए, हम माहौल बना देंगे ऐसा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। पूरी SSB बेटा सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है बच्चा, तो हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अपने आप में अलग होती है क्योंकि कोई भी किसी से मैच नहीं करता, हर आदमी यूनिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंडिविजुअली टेस्ट का फीडबैक मिलना। यस सर, जैसे OIR टेस्ट है तो आपका ग्रेड क्या जा रहा है, तो उसमें आपको और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ कमी है, कैसे, जैसे आप रिटर्न का भी मॉक टेस्ट देते थे, देन यू रियलाइज ना कि क्या काम करना है, तो उस पर वर्क करते थे, तो सर देखते थे जो मुझे वहाँ करते थे लगता सही है, वहाँ मिलाते मैच हो जाता है ये कैसे हो गया, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। फिर उसके बाद PPDT है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स में कहाँ कमी है, या आपने नरेशन में कहाँ प्रॉब्लम की, या फिर डिस्कशन में क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो जब टेक्निकलिटी का पता चलता है, ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज हो जाती हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। अब ये साइकोलॉजी है, टायर्ड वाइट RTST, अब चारों टेस्ट का डोजियर पूरा आपने दे दिया, अब वो चेक होकर के आपको मिलना चाहिए ना फीडबैक, एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से मिलेगा ही नहीं तो सर जानेगा कैसे, एग्जैक्टली जाने। अब जैसे मॉक इंटरव्यू है, आप एक बार मॉक इंटरव्यू बैठे तो आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पहली बार में पहली बार दे रहा हूं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर दोबारा जब आप बैठेंगे तो आप उससे ज्यादा क्या होंगे, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
अब जैसे आउटडोर टास्क कभी नहीं किया है, पहली बार करेंगे तो डरेंगे, बट जब वही दो बार करेंगे तीन बार करेंगे तो आपका आत्मविश्वास क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ेगा। और कहा गया ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, हाँ तो ये सच भी है, जितना प्रैक्टिस, और शायद प्रैक्टिस ही है तभी तो सफलता है। और एसएसपी गाइडेंस में बच्चे बहुत जरूरी है, आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें दिन मत निकालिएगा 14-21 दिन, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समय देंगे उतना हम आप पे काम कर पाएंगे। और हर पर्सनालिटी इंडिविजुअल है, तो एमकेसी का हमेशा से रोल ये रहा है कि हम एसएसबी में बहुत ही इंडिविजुअल फोकस रखते हैं और 1-to-1 कैंडिडेट की पर्सनालिटी को एनालाइज करके हम बेहतर करते हैं, तो आप 1-to-1 फीडबैक जरूर यहाँ पाएंगे। अब आ जाते हैं रिटर्न के थोड़े प्रॉस्पेक्ट को लेकर, तो थोड़ा ओवरव्यू लूंगा क्योंकि रिटर्न यूपीएससी का भी इतना आसान नहीं है। आई थिंक लाखों बच्चे बैठे हुए हैं उस 7800 बच्चों में अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। तो एक वर्ड में मैं पूछूं कि एनडीए क्रैक करने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है तुम्हारे हिसाब से? अहम चीज़ सर फोकस है, बहुत जरूरी जी सर, फोकस और टाइम वेस्ट मत करना। जैसे वेस्ट मतलब जैसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 24 घंटे में 20 घंटा पढ़िए पढ़िए, उसमें नींद भी लेनी है। जैसे 1-1.5 घंटा मोबाइल हो गया, वो तो आजकल अचानक कोई छूट नहीं पाएगा सर उसमें, इसमें या तो योगा करने की जरूरत है नहीं, वहाँ जा रहे मोबाइल छुड़वा रहे अपना जी जी। तो 5-6 घंटा मतलब स्टार्टिंग में दीजिए, फिर जैसे 1-1.5 महीना बचे तो मतलब फिर उसमें तो फोकस हो ही जाइए, उसमें देखना नहीं कि कब रात हो गई, मतलब इतना भी 5-6 घंटा नींद ले लेनी है, बाकी 100% फोकस रहना है। अच्छा, कितना मदद मिला आप यहाँ के मॉक टेस्ट में भी बैठे होंगे, कितना मदद मिला आपको यहाँ के? सबसे सर पूरा आईना दिखता है, कहाँ है क्या पढ़ाई चल रही है और क्या रैंक आ रही है, मतलब कुछ काम करने की जरूरत है, जब उसमें मतलब नीचे रैंक आती है तो अंदर से लगता है सर कि मतलब कुछ गलत कर रहे हो, क्यों भेजा है पापा ने तुम्हें यहाँ, और हमें तो, मेहनत करना है। बहुत बढ़िया। बुक्स कितना मदद की होंगी एमकेसी की? बुक्स सर बहुत अच्छी है सर, उसमें जो उनका क्वेश्चन है वो लगाते रहिए, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, उससे मतलब अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, भूल मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उसे भूलना नहीं है, भूलना नहीं, अगर आप ऑनेस्टली उस पर काम कर ले, चलिए बहुत बढ़िया, उसे भूल के प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, अच्छा वही मैं कह रहा चाहता हूँ, 10 जगह भटकने के बजाय अगर एक मटेरियल पे अपने टीचर के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ा जाए तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हरदोई जिले से आते हैं, हरदोई से पहले उन्नाव, हरदोई से बच्चे हमारे यहाँ अच्छे खासे रिकमेंड हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि सौरभ भी वो इतिहास रचें। आई थिंक ये हम सब के लिए गर्व का विषय होगा, पिताजी के लिए गर्व का विषय होगा, क्योंकि बहुत आम परिवार से आप आते हैं जैसा मैं जानता हूँ, तो एक जिम्मेदारी तो है ही कंधे पे कि कुछ बदलाव लाना है, और आपकी सफलता ही उसका मूल रास्ता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे हरदोई के बच्चों को और जितने भी हमारे हिंदी भाषी बच्चे जो एनडीए में अपीयर हुए हैं? अभी एनडीए फर्स्ट 2024 का भी एग्जाम है, तो क्या गाइड करना चाहेंगे कैसे काम करने से? जी रिटर्न के लिए, रिटर्न के लिए बोलूँगा कि आप जैसे पहले उस पर ध्यान दीजिए रिटर्न पे, कि जैसे मान लो अभी जैसे बताया कि 4 घंटा पढ़ना है, 4 में किसी के मतलब हर कोई यूनिक होता है, कोई ये भी नहीं कोई 4 घंटा पढ़े, कोई बहुत होते सर बच्चे बहुत ज़्यादा भी पढ़ देते हैं, सही बात है, 8-8 घंटे। हाँ सर, अब किसी को कंपेयर मत करिएगा उससे, हाँ मोटिवेट हो जाओगे। एक लड़का सर बोलूंगा नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं आप, इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म, तो क्या करता है? पड़ोस में ही है सर। हाँ, नाम मत लीजिए, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सुन लेगा सर। नहीं आप बताइए, नाम मत लीजिए, दोस्त भी है। तो क्या करता है वो सर? मुझे जैसे मैं तुरंत अगर सो रहा होगा वो मुझे देख लेगा, तुरंत अपनी नींद खोल देगा सर और पढ़ने लगेगा, कुछ भी हो चाहे उसे नींद आ रही हो कुछ भी हो तोड़ के बैठ जाएगा। बहरहाल ये तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि दोस्तों के बीच अगर इस चीज को कहते ना कि दोस्त सफल हुआ है इस बात की तो खुशी है, बट बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी भी नहीं है क्योंकि मैं सफल नहीं हुआ, और मैं इसको नेगेटिव में लेता, दोस्त हमेशा चाहता है दोस्त के साथ ही रहना, क्या रहना चाहता है? साथ रहना। और तो कहीं ना कहीं सफलता से असफलता से साथ तो छूटता ही है टेक्निकली। हाँ अब वो सर फिर डिफरेंस तो बनी जाता डिफरेंस है, मेहनत नहीं करोगे तो बनी जाएगा। जी जी बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अल्टीमेट जरूरत यही कि अपना एक वर्किंग आर्ट्स बच्चे बनाए। मैथ में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट कैसे बैलेंस बनाए बच्चे? मैथ में पहले आप पकड़िए उन क्वेश्चन को, मतलब जैसे जिनका वेटेज ज़्यादा है उन चैप्टर्स को पकड़िए, जैसे हो मैं बताना चाहूँगा स्टेट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, परम्यूटेशन से इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्स कर दिया मिक्स था, कर दिया। इजी थे वो सारे, और ये इस बार लिमिट्स के भी बहुत सारे आए थे, और ये इन्हीं बोलूँगा कैलकुलस थोड़ा अच्छा, अब मैं क्या बोलूँ सर उसमें किसी का कुछ भी अच्छा हो सकता है, बट कैलकुलस है थोड़ा इंटरेस्टिंग, अगर उसमें प्रैक्टिस की जाए तो कमांड अच्छी की जा सकती है, टाइम देंगे हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगती है सर उसके बाद। चलिए बहुत बढ़िया। बेसिकली सेकंड जीएटी में भी बच्चों में बड़ा डर लगता है जीएस को लेकर, इंग्लिश को लेकर, आपका क्या जरा है? इंग्लिश का पैटर्न ही बदल गया सर, पैटर्न बदल गया। वहाँ पे एक दो लड़के से पूछा कि वो बता रहे कि मैं उसका
इंग्लिश का बार बार पेज पलट रहा कि पीके उसका कोई चिपक तो नहीं गया कहीं वो क्वेश्चन आए है कि नहीं आया, कह रहे मैं बार बार देख रहा पैसेजेस पिछले 3 साल से नहीं आ रहे थे ना, पेज चिपक तो नहीं गया मुझे ऐसे ही आ रही थी और कॉमन एरर में इस बार फिलिंग द ब्लैंक्स बढ़ा दिया 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज तो हुआ है। सिनोनिम इंटर ने भी अलग तरह से पूछा थोड़ा सा, थोड़े घुमा दिए थे। कैसा हुआ था आपका? बुक से ही आए थे लगभग, तो आए थे जी जी बढ़िया। साइंस में कैसा हुआ था? साइंस का ठीक गया, लेकिन सर वो क्या बोलूं कि जो फिजिक्स में मतलब थोड़ी अच्छी मैं बोलूंगा जिस हिसाब से आती है, थोड़ा सर मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 2-3 गलत हो गए, बहुत दुख हो रहा है। आने के बाद पता चलता है। चलिए कोई नहीं, अभी आपको सफलता मिल चुकी है, अब दुख नहीं करना है बेटा। अब अगला भी जो आपका जो है SSB हो 900 मार्क्स का है, फिर से एक बार मौका है अच्छा स्कोर लाने का। बस ऐसे जैसे आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं बेटा, ऐसे ही बने रहिए और ईमानदारी से जाके मेहनत करिए, आप वहाँ पे भी अच्छा करेंगे, ठीक है ना। टू गेटिंग सिलेक्शन इन द SSB डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, दे नीड ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, बट वंस वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस तो इट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। तो उसके लिए इंसान आप ऑर्डिनरी भी हैं, ठीक है, बच्चा ही तो चाहिए यार इस उम्र में, और क्या ही हो जाएगा। बट नाउ वंस यू स्टार्ट writing something, speaking something, doing something, then you should be very natural and original and up to the mark for that. उसके लिए आपको वो चीज़ होने की जरूरत, वही तो SSB में ढूंढते हैं कि आपकी मतलब अगर गलत लिखे तो कहीं ना कहीं तो फंसा देंगे, या तो PPDT में फंसा देंगे या तो उधर GTO फंसा देगा आपको। बहुत रियल होना है आपको एंड रियल तरीके से बढ़ना है, डोंट वरी हम लोग बनाएंगे मास्टर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही कुछ लवली सेशंस मैं आपके सामने लाता रहूँगा और बच्चे दिल से बोलते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब में भी यही बहादुरी है यार, बस खुद पे भरोसा करिए, फोकस बढ़ाइए अपना, ईमानदारी से मेहनत करिए और बिल्कुल जुड़िए। एक अच्छी तैयारी भी ज़रूरी है, एक टीचर के साथ, एक बुक के साथ जब कॉन्सेंट्रेट होकर आप काम करेंगे, बहुत भटकिए मत 100 प्लेटफॉर्म पे, वो आपको कंफ्यूज भी करता है, डाइवर्ट भी करता है। अगर आप फोकस होकर एक जगह काम करें तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। चलिए थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके सामने लगातार आती रहेंगी। जय हिंद जय भारत।